नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। लखनऊ में मुलायम का सबसे बड़ा शक्ति परीक्षण आज। रजत जयंती समारोह में लालू, शरद और देवेगौड़ा होंगे शरीक। छठ पूजा की वजह से नीतीश नहीं हो पाए शामिल। समारोह से पहले सीएम अखिलेश ने की लालू, शरद और प्रशांत किशोर से मुलाकात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिशन 265 प्लस के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज से होगी शुरू। सहारनपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह परिवर्तन रथ को दिखाएंगे हरी झंडी। पूर्व सैनिक की खुदकुशी मामले में अपनी ही पार्टी पर बरसे शत्रुघ्न सिन्हा। ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार ने नहीं की मामले की निष्पक्ष जाँच। राहुल और केजरीवाल को हिरासत में लिए जाने की निंदा भी की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का गहराया संकट, 17 साल का टूटा रिकॉर्ड। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के एमसीडी स्कूल आज बंद। पाकिस्तान को सेना ने तोप से दिया मुंहतोड़ जवाब। ऑर्टिलर गन से जवानों ने उड़ाई सरहद पार कई चौकियां। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हॉकी टूर्नामेंट में हार के बावजूद फाइनल में आज चीन से भिड़ेगी भारतीय महिला हॉकी टीम। शुक्रवार को हुए मैच में चीन ने भारत को 3-2 से हराया। पॉइंट्स टेबल में चीन पहले जबकि भारत दूसरे नंबर पर। और लोक आस्था का पर्व छठ व्रत नहाए खाए के साथ शुरू। खरना के बाद कल डूबते हुए सूर्य को देंगे पहला अर्घ। घाटों पर दिखेगी श्रद्धालुओं की भीड़। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।